बीकानेर में पत्रकारिता पर आधारित 3 दिवसीय वर्कशॉप का हुआ महाआगाज। नमस्कार, मैं हूँ सुमिष्ठा बिश्नोई और आप देख रही हैं ट्रिपल एसएन न्यूज। खबरों के सिलसिले में बात करते हैं बीकानेर से, जहाँ पर आज पत्रकारिता आधारित वर्कशॉप का शुभारंभ हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठानंद व्यास उपस्थित रहे। विधायक व्यास ने जय नारायण व्यास कॉलोनी स्थित रामपुरिया मैनेजमेंट कॉलेज में एडिटर एसोसिएशन ऑफ न्यूज पोर्टल्स के तत्वाधान में पत्रकारिता पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला का द्वीप प्रज्वलित कर वर्कशॉप का शुभारंभ किया। विधायक व्यास ने कहा कि एक पत्रकार को अपनी कलम निष्पक्ष होकर चलानी चाहिए, वह समाज में व्याप्त कमियों को उजागर करे लेकिन किसी के प्रति दुराग्रह ना रखे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक श्री हरि शंकराचार्य ने कहा कि बीकानेर में पहली बार ऐसी वर्कशॉप आयोजित हुई है, प्रतिभागी इसका अधिकतम लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि आज पलक झपकते ही खबर हम तक पहुंच जाती है, ऐसे में वेब मीडिया की प्रासंगिकता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि मीडिया को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मान्यता प्राप्त है, इसके मद्देनजर एक पत्रकार को दायित्वों का निर्वहन पूर्ण जिम्मेदारी से करना चाहिए। इस दौरान जनसंपर्क अधिकारी श्रीमती भाग्यश्री गोदारा ने पत्रकारिता की अवधारणा के बारे में अपना व्याख्यान दिया। श्रीमती गोदारा ने कहा कि एक सफल पत्रकार वही माना जाएगा जो भारतीय संविधान में प्रदत्त अपने अधिकारों एवं कर्तव्य की जानकारी रखता हो। एक अच्छे पत्रकार को नियमित रूप से पुस्तकों का अध्ययन करते रहना चाहिए। एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंदाचार्य ने बताया कि दूसरे सत्र में वरिष्ठ पत्रकार राजेश रतन व्यास ने प्रेस विज्ञप्ति बनाने और खबर लेखन के विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाया। आयोजन समिति के सचिव विनय थानवी ने बताया कि वर्कशॉप में कुल 40 प्रतिभागी भागीदारी निभा रहे हैं। इनमें एडिटर एसोसिएशन सदस्यों के अतिरिक्त रामपुरिया मैनेजमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स, व्यापारी वर्ग, अन्य वर्किंग जर्नलिस्ट भी सम्मिलित है। उद्घाटन सत्र के दौरान बेसी कॉलेज के प्रबंधक अमित व्यास, आशीष वाधवा, मुरली व्यास, अनिल आचार्य, मुकेश जोशी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। वही एडिटर एसोसिएशन की ओर से अजीज भुट्टा, योगेश खत्री, मनोज व्यास, सरजीत सिंह, बलजीत गिल, भवानी व्यास, राहुल मारवा, के कुमार आहूजा, राजेंद्र छंगाणी, उमेश पुरोहित, विक्रम पुरोहित, सुमेश्ता बिश्नोई, सुमित बिश्नोई, यतेंद्र चड्डा आदि ने भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। प्रशिक्षण के दूसरे दिन शनिवार को फोटोग्राफी विषय पर फोटो जर्नलिस्ट अजीज भुट्टा व दिनेश गुप्ता फोटोग्राफी की बारीकियों की जानकारी देंगे। इसके पश्चात वरिष्ठ पत्रकार नवीन शर्मा एवं हरीश बी शर्मा फैक्ट न्यूज रिपोर्टिंग, प्रिंट मीडिया तथा इंटरव्यू विद्या पर व्याख्यान देंगे।